हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ वर्षा और आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि आप बहुत ही सिंपल और कम इंग्रेडिएंट से आलू वड़ा या बटाटा वड़ा कैसे बना सकते हैं अपने घर पर, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान काफ़ी लिमिटेड चीज़ें हमें मिल रही हैं। इसी के बैटर से हम आलू के पकौड़े भी बनाएंगे और प्याज के पकौड़े भी बनाएंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चार आलू इस तरीके से कट करके आपको बॉईल कर लेने हैं। दो विसल आने तक इसे हम बॉईल होने देंगे। आलू में हमने थोड़ा बेसन डाला है एक चम्मच, और ये जो आलू हैं ये ज़्यादा मैशी नहीं होना चाहिए। सबसे पहले हमें पैन में तेल गरम कर लेना है और उसमें राई डालनी है, उसके बाद हींग, जीरा, कड़ी पत्ता, नमक, मिर्ची, धनिया पाउडर। हमारे पास हरी मिर्ची नहीं है इसलिए लाल मिर्ची का यूज़ कर रहे हैं। इसे हमने अपने पोटैटो मिक्सचर पे डाल दिया है, उसके बाद हम इसे मिक्स करेंगे अच्छे से, फिर उसे 15 मिनट्स के लिए रेस्ट होने के लिए रख देंगे। अब हम बैटर बनाएंगे। इसके लिए आपको बेसन लेना है 6 चम्मच, फिर उसमें नमक, मिर्ची, थोड़ा सा सोडा और हल्दी डालेंगे। इसे मिक्स कर लेना है और पानी मिला के एक प्रॉपर घोल बना लेना है। आपको ये ध्यान रखना है कि ये ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये ज़्यादा गाढ़ा होगा तो जो हमारे आलू वड़े हैं वो बहुत हार्ड हो जाएंगे, और बहुत अगर पतला होगा तो जो मसाला है वो निकल जाएगा। ऐसी कंसिस्टेंसी हमें चाहिए। अमचूर मिलाएंगे 1/2 चम्मच। अब हम इनके गोले बनाएंगे एक एक करके। अब हम इन वड़ों को तलेंगे। इसके लिए आपको जो बॉल्स हैं वो पहले गोल में डाल लेने हैं। इन्हें गोल्डन ब्राउन होने तक तलेंगे, उसके बाद निकाल लेंगे। उसी बैटर से आप पकौड़े भी बना सकते हैं, जैसे कि आलू के या प्याज के। इसके लिए आपको फ्राई कर लेना है आलू और प्याज अलग अलग, और उस पर मसाला डाल देना है, नमक, मिर्ची। इन्हें इस बैटर में डालेंगे और अच्छे से कोट करके इसे डीप फ्राई कर लेंगे। इन्हें गोल्डन ब्राउन होने के बाद हम निकाल लेंगे। तले हुए प्याज को भी हमने इस घोल में डाल दिया है। प्याज के पकौड़े बनाने के लिए भी इसी तरीके से हम तेल में डाल देंगे। गोल्डन ब्राउन होने के बाद निकाल लेंगे इन्हें।